चाहते हैं, बस एकमात्र मनुष्य वो जो दुर्लभ में दुर्लभ है, और हम जैन बनकर भी जैन नहीं है, यानी क्या, जन्म से जैन है परंतु जैन तत्व ज्ञान क्या होता है इसका पता नहीं है, क्योंकि महावीर के नाम पर तो बहुत सारी उपदेश मिलता है और बहुत सारे पंथ चलते हैं। महावीर भी 2-4-5 हुए थे ना, नहीं हुए थे, एक दिगंबर का महावीर, एक श्वेतांबर का महावीर, एक स्थानकवासी का, और उसमें जो जाए जितने पंथ निकले हैं सबका एक एक महावीर नहीं, एक ही था। हाँ, तो उपदेश भी एक ही होगा कि अनेक है? एक जो मूल धारा से जो चला आ रहा है उपदेश, वही सत्य है। और जो हम इतने भाग्यवान हैं कि इतने हजारों साल बाद भी वो मूल उपदेश आज हमें उपलब्ध है, हमारे पूर्वजों के हमारे के ऊपर इतने उपकार है कि ये मूल धारा हमें मिली है, और हम उस मूल धारा का तो हमें तो कोई पता ही नहीं है तत्वज्ञान क्या होता है और क्या, तो हम अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, पैसा क्या रखे जाएंगे? 2-2.5 हजार वर्ष तक हमें मूल उपदेश मिल रहा है, तो वहाँ तो कोई प्रिंटिंग की तो व्यवस्था थी नहीं है, कैसे कैसे लिखे उन्होंने, ये तो तालपत्र पर लिखते थे और कोई ऐसे लिख नहीं थे मोरपिंची से, ये तो ऐसे उकेरा जाता था उसमें कीली से और फिर उसमें दूसरा कलर पूरा जाता था, तब ये सारे शास्त्र बने और वो प्रिजर्व हुए हैं। तो मुनियों ने और उस समय जमाने के श्रावकों ने कितना क्या किया, और केवल वो लिखित नहीं लिखा है, आत्मसात किया है, ये ग्रंथ छपवाने से नहीं रहने वाले हैं। तो ये हम पढ़ेंगे और ये ज्ञान हम स्वयं प्राप्त करके सहज भाव आता है कि आगामी पीढ़ी को बतावे, तो ऐसे इसी तरह से रहेंगे। गुरु समय सार तो था कि नहीं था, तो गुरुदेव ने उनमें उसमें से माल निकाल कर हमें पिरोस दिया और हम भी उसको समझकर आगे बढ़ाएंगे तो ही वो रहेगा, और बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये तो पंचम काल के अंत तक ये मार्ग रहने वाला ही है। ऐसे जरूर पात्र जीव भी जन्मेंगे, उसको ग्रहण भी करेंगे, ये जरूरी नहीं कि हमें जैनी होना चाहिए उसके लिए, कितने ही अन्य मति इसका आज इतना लाभ ले रहे जो मूल दिगंबर नहीं ले रहे। हमारे यहाँ आने वालों में भी जो जन्मे थे स्थानकवासियों में, उनके उनके जो स्वामी जी के ज़माने में बहुतों ने तो परिवर्तन भी किया था, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज के ज़माने में जो जन्म से उसी पंथ में थे और ये मार्ग प्राप्त कर जहाँ आए हैं, ये मार्ग सही है इसका जिन्होंने निर्णय किया है, तो वे उनसे भाग्यवान है जो जैन दिगंबर कुल में जन्म के भी अपना माल अपना है कि नहीं है इसके उनको पता नहीं है, क्या करें, कि करुणा आती है, दया आती है। अब ऐसा भी है ना, जिसका जो भाग्य है उसको सहज निमित्त मिलता है। हाँ देखो हमारे यहाँ तो कितने ही लोग आते हैं, ये तो पुस्तकें तो साधारण है मगर वो पढ़कर भी आते हैं। बॉम्बे में कोई पैथोलॉजिस्ट है, मुमुक्षु है, उनकी माँ भी मुमुक्षु है, पार्ला में रहते हैं, सुरीन शाह कोई है, तो उनके यहाँ तो बहुत सारे पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर है, एक है डॉक्टर पटवर्धन, हिंदू है, उसके पिताजी वैदिक के बहुत विद्वान है उच्च कोटि के, और उसने केवल जैन तत्व परिचय पुस्तक पढ़ी है और उसने इतना वो उसको अभ्यास करने लगा, फिर उसने और भी ग्रंथ मंगवाए पढ़े, रोज़ वहाँ पार्ला के मंदिर में जाता है और रोज़ वहाँ एक घंटा वहाँ बिताता है, डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्ट है, सामायिक भी करता है मंदिर में जाके, और दूसरा है उसका, एक है उसका नाम डिसूजा कोई ऐसे क्रिश्चियन है, वो भी वहीं पर काम करता है, उसको भी दी एक पुस्तक अंग्रेजी वाली जैन तत्व परिचय, तो उसने तो हमारे घर में आया था लेने के लिए और कुछ पुस्तकें, कहा कि दिस इज 1000 times बेटर देन बाइबल, कि उन्होंने तो कहा कि भले वो क्राइस्ट ने जो कुछ कहा होगा परंतु उस जमाने में उसके आजू बाजू के कितने लोग तो अज्ञ थे, उसने क्या समझा होगा और क्या लिखा होगा और उसमें कितनी कोटि रचना होगी, ये उसका कहना, तो कहते कि इसमें जो बात बताई है वो कितनी सच है, उसमें तो केवल द्रव्य गुण पर्याय सामान्य गुण इतनी सारी चर्चा है और थोड़ा बहुत और है, गहराई तो अभ्यास तो अब कर रहा है वो, परंतु अन्य मति भी कितना ही इसका जितना लाभ ले रहे हैं, क्या हम स्वयं जैनी होकर इसका लाभ ले रहे कि नहीं, अभी कुछ गिने चुने तो लाभ ले रहे हैं,
परंतु हम लौकिक यानी सर्वसामान्य बात कर रहे हैं। जो लाभ ले रहे तो वो अपना कल्याण के लिए ले रहे, किसी को दिखाने के लिए तो है ही नहीं। तो चारों ही अनुयोगों का यहाँ अभ्यास कर्तव्य है हमारे अपने स्वयं के कल्याण के लिए। हम भी जो द्रव्यानुयोग प्राप्त करने के बाद अभी जो यहाँ कर्म की जो सहज रुचि होती है ना कि जानो तो सही महावीर भगवान की वाणी में क्या क्या आया था, ये हमारी संपत्ति है, इसको हम जानेंगे तो यही काम आने वाली है। अन्य कोई लौकिक संपत्ति कान में आने वाली नहीं है, वो होगी भी या नहीं भी होगी तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ जो बात देख रहे थे अभी